वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज जो हम बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट ई लेक्चर सीरीज के अंदर टॉपिक पढ़ेंगे वो है पोर्टर इंडस्ट्री एनालिसिस। ये जो इंडस्ट्री एनालिसिस है माइकल पोर्टर ने दिया था, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पोर्टर इंडस्ट्री एनालिसिस। अब इंडस्ट्री एनालिसिस होता क्या है, जैसे नेम से क्लियर है कि किसी इंडस्ट्री को यदि हमें एनालाइज करना है, अब एनालाइज किस बेसिस पर करेंगे, उसके क्या क्या बेसिस रहेंगे, उनको हम इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर पढ़ेंगे। तो आप देखें तो यहाँ पे जो 7 बेसिस दिए गए हैं आपको, पहला क्या है, डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर ऑफ इंडस्ट्री। सेकंड क्या है आपका, नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन। थर्ड क्या है, ट्रिगर ऑफ चेंज। फोर्थ क्या है, आइडेंटिफाई द कंपनीज दैट आर इन ए स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट पोजीशन। फिफ्थ क्या है, लाइकली स्ट्रेटेजिक मूव्स ऑफ राइवल्स। सिक्स क्या है आपका, की फैक्टर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव सक्सेस, के ऐसे बोलते हैं इन्हें शॉर्ट में। फिर है सेवन्थ एंड लास्ट क्या, प्रोस्पेक्ट एंड फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपको इंडस्ट्री को एनालाइज करना है तो इन बेसिस पर आप इंडस्ट्री को एनालाइज करोगे। पहला है डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर ऑफ इंडस्ट्री। जैसे कि हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पढ़ा था, वैसे ही हम इंडस्ट्री का जब डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर देखते हैं तो उसके अंदर हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो हमने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर पढ़े थे। जैसे आपका मार्केट का साइज रहा, स्कोप ऑफ कॉम्पिटिटिव राइवलरी का मतलब है जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस फेस पर काम कर रहे हैं, वो लोकल हैं, रीजनल हैं, नेशनल हैं, इंटरनेशनल हैं, ग्लोबल हैं। सपोज़ मान लीजिए हमारा एक लोकल ब्रांड है, और तो हमारे लोकल ब्रांड का मतलब ये हुआ कि जो हमारा किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर या मोस्टली किसी स्टेट के अंदर ही हमारा काम है, तो वहाँ पे हमारा कॉम्पिटिशन क्या रहेगा, आपका रीजनल रहेगा। और यदि हमारा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के अंदर हमारा बिजनेस जो है प्रोडक्ट सेल होते हैं तो कंपटीशन का लेवल क्या रहेगा, नेशनल रहेगा। और इसके बाद आपका यदि आप फॉरेन में भी सेल करते तो इंटरनेशनल या ग्लोबल कहलाएगा। तो सबसे पहले हमें देखना है इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर कि जो हमारा डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर के अंदर कि हमारा मार्केट साइज़ क्या है, हमारा मार्केट का स्कोप क्या है, लोकल है, रीजनल है, नेशनल है, इंटरनेशनल है। इसके बाद हमें देखेंगे कि ग्रोथ रेट क्या है उस मार्केट के अंदर, कि जो हमारा प्रोडक्ट है उस मार्केट के अंदर डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है या अर्ली मैच्योरिटी या मैच्योरिटी स्टेज पे है। फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ राइवल्स कौन कौन से हैं और उनका साइज है क्या, कौन सी कंपनी स्मॉल है, कौन सी कंपनी बड़ी है। तो ये सब चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ते हैं, डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर ऑफ इंडस्ट्री। किसी इंडस्ट्री को हम एनालाइज इन पैरामीटर्स के बेस पर करते हैं। जो आपका फर्स्ट डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर ऑफ इंडस्ट्री है इंडस्ट्री एनालिसिस का पॉइंट, उसके बाद हम सेकंड जो पढ़ेंगे वो है आपका नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिशंस। नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिशन को हम एक टॉपिक अपना आएगा जो माइकल पोर्टर ने ही दिया था, कंप्यूटर एनालिसिस, जिसमें उन्होंने पोर्टर के 5 फोर्सेस बताए थे। यदि आपने पहले बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा हो तो वहाँ आपने सुना होगा कि माइकल पोर्टर ने जो 5 फोर्सेस बताए थे उसमें क्या थे, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, ठीक है ना, राइवलरी अमंग करंट प्लेयर्स, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। तो ये जो 5 फोर्सेस माइकल पोर्टर ने दिए थे ये हमें हेल्प करते हैं किसको, नेचर या स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन को समझने में हेल्प करते हैं। तो इनके बेस पर हम देख सकते हैं कि कौन हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं और उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या नेचर है, उसको हम समझ सकते हैं। तो सेकंड जो आपका इंडस्ट्री एनालिसिस का पॉइंट था वो क्या था, नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिशन। फिर आता है ट्रिगर ऑफ चेंज। ट्रिगर ऑफ चेंज का मतलब क्या हुआ कि अभी हम आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे इंडस्ट्री लाइफ साइकिल, ऐसे प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल भी होता है। तो इंडस्ट्री जो हमारी है किस लेवल पे काम कर रही है, वो इस समय आपकी रैपिड ग्रोथ पर है, अर्ली मैच्योरिटी पर है, सैचुरेशन पर है या फिर डेक्लाइन पे है। तो इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेज को हम कहाँ पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे क्या आपका इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। तो ट्रिगर ऑफ चेंज के अंदर हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, इंडस्ट्री किस लेवल पर वर्क कर रही है। फिर आने वाले टाइम पर हम इंडस्ट्री लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज में जाने वाले हैं उसको भी हम इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए हम अभी रैपिड ग्रोथ स्टेज में हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेज क्या रहेगी, अर्ली मैच्योरिटी, और देन क्या रहेगी, सैचुरेशन। तो इन सभी इंडस्ट्री लाइफ साइकिल की स्टेजेस को हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है नेक्स्ट क्या, आइडेंटिफाई द कंपनी दैट आर इन ए स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट पोजिशन। कि हम किसी भी कंपनी की बात करें तो उस कंपनी के जो कॉम्पिटिटर सिमिलर फर्म रहती हैं उनमें कोई स्ट्रॉन्ग रहता है, कोई क्या रहता है, वीक रहता है। जैसे हम देखें, हमने टूथपेस्ट के जो बहुत से ब्रांड सुने हैं जिसमें आपने सुना होगा कि आपका पेप्सोडेंट भी है, कोलगेट भी है, बबूल भी है। तो कस्टमर क्या करते हैं, अपने अपने
प्रोडक्ट के यूजेस के बेसिस पर, मार्केट शेयर के बेसिस पर उसको क्लासिफाई कर देते हैं कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है कौन सा वीकेस्ट पोजीशन है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एरिया के अंदर हो सकता है किसी एरिया के अंदर कोई प्रोडक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट में आ रहा हो और दूसरे के अंदर वो वीकेस्ट में आ रहा हो। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस एरिया के अंदर कौन सा प्रोडक्ट क्या है स्ट्रॉन्गेस्ट है और कौन सा वीकेस्ट है। हम जब आइडेंटिफाइंग द कंपनी दैट आर इन स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट पोजीशन को जब हम समझ लेंगे कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है कौन सा वीकेस्ट है, तो उसमें हमें एक टॉपिक भी हेल्प करता है जो है स्ट्रेटजिक ग्रुप मैपिंग। स्ट्रेटजिक ग्रुप मैपिंग जो है आपका न्यू कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप देखें तो आजकल आप ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं, तो ऑनलाइन ख़रीदारी में जब आप प्रोडक्ट की प्राइस देखते हैं तो राइवलरी फर्म्स के अंदर देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप परचेस करने जा रहे हैं तो उसका प्राइस आप अमेज़न पे भी देखेंगे या फ्लिपकार्ट पे भी देखेंगे। तो ये जो आपका अमेज़न और फ्लिपकार्ट जो आपने ग्रुप बना रखा है तो ये क्या कहलाता है आपका, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटजिक ग्रुप। तो एक स्ट्रेटजिक ग्रुप में कंसिस्ट क्या होता है, वो रिवाइल या कॉम्पिटिटर फर्म रहती हैं जो सिमिलर कॉम्पिटिटिव अप्रोच रखती हैं और पोजीशन रखती हैं। तो ये अपना फोर्थ पॉइंट है आइडेंटिफाइंग द कंपनी दैट आर इन स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट पोजीशन। फिर आते हैं फिफ्थ क्या है, लाइकली स्ट्रेटजिक मूव्स ऑफ राइवल्स। जब हम समझ लेंगे कि कौन सा कॉम्पिटिटर्स किस लेवल पे काम कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप उसकी क्या हो सकती है। जैसे कि आप स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के अंदर आने वाले टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे तो ये कि जो स्ट्रेटजिक मूव्स होते हैं, जो बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं बिजनेस के अंदर राइवलरी या कॉम्पिटिटर्स को देख के, तो वो क्या क्या स्टेप्स हो सकती हैं उनको हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। फिर आता है की सक्सेस फैक्टर। की सक्सेस फैक्टर क्या होता है, की सक्सेस फैक्टर ये रहता है कि जैसे की सक्सेस फैक्टर जैसे हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सारे की सक्सेस फैक्टर होते हैं। की सक्सेस फैक्टर में से वो फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट रहता है जिसके बेस पर ऑर्गेनाइजेशन क्या रहता है सक्सेस होता है। जैसे हम देखें कि जो अपनी ई लर्निंग है, ई लर्निंग का जो की सक्सेस फैक्टर है वो क्या है, की सक्सेस फैक्टर ये है कि उसकी क्वालिटी है। यदि उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो उसके सारे जो इनपुट्स हैं जो उसके फैक्टर्स हैं वो सारे क्या रहेंगे पास हो जाएंगे, और यदि कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी रहती है तो एक कमी के कारण सारे फैक्टर क्या हो जाएंगे फेल हो जाएंगे। तो हम ऐसे ही हम किसी भी सेक्टर के अंदर देखें, जैसे मैंने आपको लर्निंग का बताया, ऐसे आप बैंकिंग के अंदर भी देख सकते हैं कि हर एरिया के अंदर क्या रहता है, कोई इंडस्ट्री का की सक्सेस फैक्टर होता है। तो हमें जिस इंडस्ट्री में हम वर्क कर रहे हैं वहाँ पर हमें पहचानना है कि हमारे लिए जो की सक्सेस फैक्टर कौन कौन से रहेंगे और उनमें से फॉरमोस्ट की सक्सेस फैक्टर हमारा क्या रहेगा। जैसे कि आपने कोर कॉम्पिटेंसी भी पढ़ा था कि एप्पल कोर कॉम्पिटेंसी की वजह से ही चल रहा है, तो ये की सक्सेस बिजनेस की नेचर पर डिपेंड करते हैं। फिर लास्ट जो आता है आपका सेवन्थ पॉइंट जिसको हम क्या बोलते हैं, वो है आपका प्रोस्पेक्ट्स एंड फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री। प्रोस्पेक्ट्स एंड फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस के अंदर हम ये देखते हैं कि जो कंपनी है उसका जो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस जो हम करेंगे या आने वाले स्टेप्स के अंदर, तो उसमें उसकी फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस कहने मतलब है कि जो फंड अरेंजमेंट है, फंड का प्रोक्योरमेंट है, और उसके बेस पर हम अपॉर्चुनिटी को क्या करते हैं, फंड के बेस पर क्या करते हैं अपॉर्चुनिटी को ग्रैप्स करते हैं, तो कंपनी उसमें कितना इफ़ेक्टिव रही है उसको परफॉर्म करने में, फ़ंड के बेस पर जो अपॉर्चुनिटी आई उनको ग्रैप्स करके उनको प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने में फर्म सक्सेस रही है या फिर नहीं रही है। तो इसके लिए हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, इसके अंदर देख सकते हैं इंडस्ट्री का ग्रोथ पोटेंशियल है क्या, ठीक है ना, जो प्रॉफिटेबिलिटी है या जो कॉम्पिटिटिव फोर्सेज हैं वो किस लेवल पर काम कर रहे हैं, वो स्ट्रॉन्गेस्ट हैं या फिर वीकेस्ट हैं। हम ये देख सकते हैं कि जो ड्राइविंग फोर्सेज हैं वो फेवरेबली इफेक्ट कर रहे हैं या फिर अनफेवरेबली इफेक्ट कर रहे हैं। तो इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम किसके अंदर देखते हैं, अपने फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस के अंदर देखते हैं कि कंपनी का जो नियर फ्यूचर या आने वाले टाइम के अंदर कंपनी की जो मार्केट की फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस है वो बढ़ रही है या फिर घट रही है। यदि फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस बढ़ रही है तो हम ये मानेंगे कि आने वाले टाइम में कंपनी क्या होगी, आगे सक्सीड करेगी, और यदि फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ईयर बाय ईयर क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस को इफेक्ट करेगा। तो हमने इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर ये जो सेवन स्टेप पढ़ी थी उनको वन बाय वन यहाँ पे हमने समराइज डिस्कस किया है। आपको पेपर में आंसर करते समय भी इनको बुलेट की फॉर्म में दो दो तीन तीन पॉइंट की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करके आना है। ये जो आपका इंडस्ट्री एनालिसिस का जो
हमने 7 पॉइंट पढ़े, इनको हम क्या बोल सकते हैं, जैसे टेक्निक ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस, कि ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिसकी हेल्प से हम इंडस्ट्री को समझ सकते हैं। और जो इंडस्ट्री एनालिसिस का जो 7 फैक्टर थे, दिए कितने थे, ये दिए थे माइकल पोर्टर ने। तो माइकल पोर्टर ने जो इंडस्ट्री एनालिसिस के 7 फैक्टर दिए थे, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, माइकल पोर्टर इंडस्ट्री एनालिसिस। तो पेपर में आपसे यदि वो इंडस्ट्री एनालिसिस पूछे, या फिर कोई किसी इंडस्ट्री एनालिसिस की किसी टेक्निक जो 7 पॉइंट्स इनमें से किसी पॉइंट को डिस्कस करने के बारे में पूछे, तो आपको उसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल उसको समझा के आना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।